दोस्तों सारा रिफंड पोर्टल चालू है, लेकिन इस पोर्टल से हम इस्तफाक नहीं रखते। हमें ना ये बताया जा रहा है कि सारा रिफंड पोर्टल पर जो निवेशकों को 10,000 रुपया दिया जा रहा है, वो पीड़ित निवेशकों की जो वहाँ पर पैसा फंसा हुआ है उसका मूलधन है या ब्याज है या ये किस्त किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन दोस्तों ये हमारा मतलब नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा, पैसा ज़रूर मिल रहा है। और हमारे पास एक और अपडेट आई है, उस अपडेट में जो बताया जा रहा है वह ये बताया जा रहा है कि जिसको पहली किस्त मिल चुकी है अब उसको दोबारा दूसरी किस्त मिलेगी। यानी कि जो किस्त आपको पहली मिल चुकी है 10,000 की, तो आपको दोबारा भी यहाँ पर रिफंड के माध्यम से, प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर आपको फिर एक बार दूसरी किस्त मिलेगी। तो दोस्तों किस्त वही कभी 10,000 की है तो अब दूसरी किस्त 2,000 की है और तीसरी किस्त 3,000 की है। और किसी के लाख 2 लाख रुपए लगे हैं तो दोस्तों से किस्तोवार कितनी किस्तों में ये पैसा मिलेगा इसका कोई अभी अपडेट नहीं है। अपडेट सिर्फ इतनी है कि सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा लंबे समय के बाद अपने निवेशकों के पैसे वापस किए जाने का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिन निवेशकों ने अपनी पिछले साल सारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया था, यानी कि अभी 2023 में जो प्रोसेस चल रहा है सारा रिफंड पोर्टल का, उसमें अगर आपने अप्लाई किया है तो दूसरी किस्त भी उसी निवेशक को मिलेगी। यानी कि आपको लगातार यहाँ पर किस्तें बना दी गई हैं। सारा इंडिया कंपनी के द्वारा देश के लाखों निवेशकों के पैसे डबल होने का लालच देकर आश्वासन प्रदान किए जाने के बावजूद भी फंसाया गया है, जिससे सहारा इंडिया कंपनी काफ़ी विवादों में ग्रस्त है। परंतु केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील किए जाने के पश्चात सहारा कंपनी के द्वारा सभी निवेशकों के लिए पैसा लौटाने का कार्य 2023 से प्रारंभ किया जा चुका है। जिन व्यक्तियों ने सहारा रिफंड प्राप्त करने के लिए हेतु रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक किया है, उनके लिए ही सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जारी की गई रिफंड लिस्ट में अपना नाम अवश्य चेक करें, ताकि वे अपने लाभ की स्थिति का पता लगा सके। तो दोस्तों यहां पर आपको जो है अपना स्टेटस चेक करना होगा सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट दिया। दोस्तों सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जिन उम्मीदवारों में अपने पैसे वापस प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तथा कंपनी के द्वारा जिन निवेशकों के रजिस्ट्रेशन सफल किए गए हैं, उनके लिए, उन व्यक्तियों के लिए रिफंड लिस्ट जारी की जाती है। सहारा इंडिया कंपनी की रिफंड लिस्ट को कई भागों में जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर साफ बताया गया है कि सहारा इंडिया कंपनी की रिफंड लिस्ट को कई भागों में जारी किया जा रहा है, जिसके तहत जिस प्रकार निवेशकों के लिए लाभ प्रदान किया जा रहा है उनके नाम रिफंड लिस्ट के माध्यम से जारी करवा दिए जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों के लिए अभी तक सहारा इंडिया के द्वारा कोई लाभ उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा उन्होंने रजिस्ट्रेशन सफल किया है, वे सहारा रिफंड लिस्ट की जांच ऑनलाइन के माध्यम से सहारा इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सहारा इंडिया के द्वारा जारी की गई रिफंड लिस्ट पहली किस्त के लाभार्थी व्यक्तियों के लिए जारी करवाई गई है और निवेशकों के लिए 1,000 रुपये की किस्त जारी हो चुकी है। सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है उनके लिए पैसे किस्तों के रूप में वापस किए जा रहे हैं। सहारा इंडिया कंपनी के कई सहारा इंडिया के पैसे वापस प्रदान करवाए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2023 में किया जा रहे थे, जिसके तहत अभी तक देश के लाखों निवेशकों के लिए सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा उनके पैसे की पहली किस्त का लाभ प्रदान करवाया जा चुका है। निवेशक के लिए पहली किस्त 1,000 निर्धारित की गई थी, परंतु आगामी अन्य किस्तों का लाभ प्रदान करवाए जाने पर सहारा इंडिया कंपनी के किस्त की राशि बढ़ाई जा सकती है। अर्थात सहारा इंडिया कंपनी की दूसरी किस्त की राशि इस बात की किस्त से अधिक प्रदान, यानी कि इस बार की किस्त से अधिक प्रदान की जाएगी। देश के जिन निवेशकों ने सहारा इंडिया कंपनी की पहली किस्त कल प्राप्त कर ली है, यानी कि जो
यहाँ पर पहली किस्त दी गई है, केवल वही व्यक्ति आगामी दूसरी किस्त का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है किस्त इंस्टॉलमेंट बना दी गई है, इंस्टॉलमेंट आपको प्राप्त होती रहेगी। अपने मोबाइल पर समय समय पर अपने जो है अपडेट चेक करते रहें, और बारंबार आप चेक करें, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पर अपडेट आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने अपना जो मोबाइल नंबर वहाँ पर भेजा है उस मोबाइल के ज़रिए ही आपको, अपने नंबर के ज़रिए ही आपको जो भी आपकी कमी है तो वो कमी की भी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। और अपना स्टेटस चेक करते रहें, क्योंकि स्टेटस अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी सहारा इंडिया से जुड़ी आज की मीडिया हमारी ताज़ा खबर। धन्यवाद। जय हिंद।